हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक नेशन। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने न्यू पीएलआई स्कीम को इनिशिएट किया है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो पीएलआई का पूरा नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसके तहत गवर्नमेंट का मोटिव है कि इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है। इंडिया में जो कंपनी जितनी ज़्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेगी उन्हें उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा। न्यू पीएलआई स्कीम में गवर्नमेंट आगे आने वाले 5 सालों में 26,800 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव इनिशिएट कर रही है। इसमें ड्रोन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है और डेफिनेटली ईवी स्पेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। टाटा एंड रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी ने पहले से ही अपनी ईवी इंडस्ट्री में प्लान अनाउंस कर दी है। न्यू पीएलआई स्कीम से इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इंडिया की नीड तो पूरी होगी ही, साथ ही हम दूसरी कंट्रीज में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करेंगे। इससे इंडिया में लगभग 7,50,000 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। टाटा एंड रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज ने पहले से ही अपनी इंडिया में ईवी इंडस्ट्री के लिए प्लान्स अनाउंस कर दी हैं। कई सारी ऐसी छोटी छोटी एग्जिस्टिंग कंपनीज भी है जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वो भी इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी इस न्यू पीएलआई स्कीम की तारीफ की है। वहीं ओला सीईओ भविष्य अग्रवाल का कहना है कि इस स्कीम से इंडिया ग्लोबल ईवी हब के नाम से सामने आएगा। इस पीएलआई स्कीम में न्यू कमर कंपनीज का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है, तो इससे मार्केट में कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा, जिससे कि ओवरऑल फायदा कस्टमर का ही होने वाला है। डेफिनेटली आगे आने वाले कुछ सालों में इस न्यू पीएलआई स्कीम के कारण जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो इंडिया में और भी ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।